हाथ के मदद से ये देखिए ऐसे साफ मिला लेते हैं। देखो ये देखिए, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद। हेलो फ्रेंड, हलचल फूड में आप सबका स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप सब लोग, कमेंट करके जरूर बताना। तो आज आ गया एक बेसन का सब्जी बनाएंगे। तो आज का रेसिपी है गट्टे का सब्जी, तो प्लीज़ पूरा वीडियो देखना एंड तक, और कैसा बना कमेंट करके आप ज़रूर बताना। अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और फॉलो करना भूलना मत। फेसबुक में भी पेज है, तो उधर जाके भी आप देख सकते हैं एक बार, प्लीज़ उधर जाके एक बार देख लीजिएगा। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करेंगे, जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहले हमने मसाला ले लिया, इसमें है काली मिरी है, जीरा है, और ये है आपका अजवाइन, ये बड़ी सौंफ और ये धनिया। इन सबको एक बार भून के इसका मसाला बना लेंगे। ये है सब मसाला, इनको थोड़ा सा भून लेते हैं। मसाला भून गया, अभी इसको निकाल लेते हैं, निकाल के इसका पाउडर बना लेंगे। ये ले लिया हमने बेसन, तो बेसन में ही वही मसाला जो पीसा था वो थोड़ा इसमें डालेंगे, और इसमें डालेंगे थोड़ा सा हींग, अब डालेंगे थोड़ा सा सोडा, और ये आ गया राई का तेल, अब इसमें डालेंगे दही। लाइट चला गया इसलिए ये दही डाल दिया। अब इसमें डाल देंगे थोड़ा सा हल्दी और नमक डाल के इन सब चीज़ को एकदम अच्छे से मिलाएंगे। इसको टाइट बनाना है। मसाला लगा लिया है, देखिए टाइट करके एकदम, इसमें हमने बिल्कुल पानी नहीं डाला। तो टेबल पे पहले तो थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे, ऑयल लगा के अभी इसको लम्बा लम्बा कर लेते हैं हाथ के मदद से। ये देखिए ऐसे सांप जैसा बना लेंगे इसको। ये रेडी हो गया, इसको रख देते हैं। ये दूसरा रेडी हो गया सांप, ये तीसरा रेडी हो गया, और ये आखिरी वाला भी रेडी हो गया। हमने कढ़ाई बैठा लिया, इसमें पानी एकदम उबल रहा है, तो जो बेसन का जो साफ बनाया था वो एक एक डाल देंगे। डाल के इसको एकदम अच्छे से बॉईल करेंगे। ग्रेवी का मसाला के लिए पहले तो हमने बॉल में एक दही ले लिया, इसमें अभी डाल देंगे नमक, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, जीरा पाउडर और धनिया पाउडर, और इसमें डालेंगे एक चम्मच बेसन। इन सब डाल के मिला लेते हैं। हमने जो बेसन को बॉईल करने के लिए रखा था वो हो गया है, देखिए साफ कितना फूक गया है। इसको आराम से उठाना है, नहीं तो फट जाएगा। इसको पूरा एकदम पानी से निकाल लेते हैं, और ये पानी फेंकने का नहीं, पानी रहने देंगे। गट्टा का बेसन रेडी है, अभी इसको बनाएंगे। तो चलिए अभी कढ़ाई की तरफ। पहले तो कढ़ाई में ऑयल डाल दिया, ऑयल गर्म हो गया, पहले तो डालेंगे थोड़ा सा हींग, एक तेज पत्ता, एक दालचीनी,
एक स्टार फूल और थोड़ा सा लौंग। अभी इसमें डाल देंगे कटा हुआ हरी मिर्ची, कटा हुआ अदरक और कटा हुआ टमाटर। जो मसाला पिसा था वो डाल देंगे। इसमें डालेंगे थोड़ा सा कास्तूरी मेथी, हल्दी पाउडर और ये थोड़ा मिर्ची पाउडर। तो अंधेरा दिख रहा होगा क्योंकि लाइट चला गया, वीडियो बनाते बनाते ही लाइट चला गया। अभी डाल देंगे हमने जो मसाला जो बना के रखा था दही का, वो मसाला पूरा डाल देते हैं। दही डालने के बाद कलर पूरा चेंज हो गया, इसको थोड़ा सा भून लेंगे। मसाला भून गया, अभी इसमें डाल देते हैं जो बेसन जो बॉईल किया था ना वही पानी डालेंगे इसमें। उबाल आ गया, अभी इसमें डाल देंगे नमक। पहले से जो बेसन को बॉईल करके रखा था वो एक एक करके डाल देंगे। तो उबाल आ गया, एकदम स्लो में उबालेंगे नहीं तो ना बेसन का जो ये है ना वो फट जाएगा। तो उसके ऊपर से अभी हरा धनिया डाल देता हूँ। 5 मिनट तक ऐसे स्लो में एकदम उबाल लेंगे इसको, क्योंकि बेसन के अंदर जो मसाला है हमारा वो मसाला अच्छे से चला जाए और एकदम पक जाए। सब्जी उबल गया है तो सब्जी बन के रेडी हो गया। इसको गैस को कर देता हूँ बंद, तब से नीचे की तरफ दिखाइए। ये सब्जी हो गया और बेसन के अंदर अच्छे से मसाला चला गया, देखिए कितना बड़ा बड़ा होकर फूक गया है। और तो इसको कर देता हूँ बंद। गट्टे का सब्जी बन के रेडी हो गया, देखिए कितना खूबसूरत दिख रहा है। इसके ऊपर से डाल देंगे थोड़ा सा हरा धनिया। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताना और फॉलो करना चाहिए।